Hi, can you guess what fruit I am? Hi, I am an apple. A-P-P-L-E spells apple. हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हेमंत राजपुत्र, आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट, यहां पर आपको एक भी कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहां पर इस तरीके के जो एनिमेटेड जो आपके फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो कि बोलते हैं, आप किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपको कम्प्लीटली ट्यूटोरियल बताऊंगा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन के। ठीक है, फ्री में आप कितना बना सकते हैं और फ्री में आप जितना बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों, सबसे पहले तो हमको फॉर एग्जांपल्स के लिए यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ फ्रूट्स को मैं बुलवाना चाहता हूँ, जैसे कि एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, या फिर आपका बनाना हो गया, या फिर आप कुछ भी कह लीजिएगा, कोई भी फ्रूट्स ले लीजिएगा, उसको आप बुलवाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको बनाना होगा वो करैक्टर बनाना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस करैक्टर को बनाने के लिए हम लोग जाएंगे कैनवा पे। कैनवा पे जाके हम लोग सबसे डिजाइन करेंगे, तो मैं यहाँ पर क्रिएट ए डिजाइन पर और यहाँ पर मैं वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोगों को फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि यहाँ पर कोई भी फल्स का नाम ले लीजिएगा, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वाटरमेलन को, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है वाटरमेलन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वाटरमेलन को ले लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस तरीके का चाहिए हमको। ठीक है, तो ये वाला चल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मैंने यहाँ पर ले लिया है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, इसका मुंह भी लगाऊंगा और पैर लगाऊंगा। वो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम लोगों ने ये ले लिया है। अब यहाँ पर हम लोग एलिमेंट पर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे कार्टून फीट। ठीक है, कार्टून फीट आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर सी ऑल पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो ग्राफिक्स है, ये वाले जो फीट हैं, वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं और इसको अच्छे से हम लोग यहाँ पर एडिट कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा, लेयर पर क्लिक करूँगा और सेंड टू बैक कर दूँगा। अब देख सकते हैं कि अब लग रहा है जैसे कि ये इसके रियल पैर हों। ठीक है, अब दोस्तों अब इसके हाथ लगाने हैं, तो हाथ लगाने के लिए मैं यहाँ पर कार्टून फीट की जगह अब मैं यहाँ पर हैंड कर देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये हैंड आ चुके हैं, तो बहुत सारे हैंड आ चुके हैं। अब दोस्तों हैंड आपको ऊपर को चाहिए, नीचे को चाहिए, कैसे चाहिए वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं और दूसरी तरफ ये लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं, मतलब कैसा भी आप बना सकते हैं, मैं केवल आपको बता रहा हूँ। अगर आप सिंपल हैंड लगाना चाहते हैं तो ये नीचे की ओर, तो ये वाले हैंड दिया हूँ तो इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो ऊपर की ओर हैंड है यही मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं इस पर क्लिक करूँगा और लेयर पर क्लिक करूँगा, इसको सेंड टू बैक कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से कर दूंगा। अब मैं इसको कंट्रोल सी और फिर यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगा, मतलब सेम हैंड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, अब यहाँ पर मैं फ्लिप पर क्लिक करके हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो ये इस तरीके से हाथ लग जाएगा। तो मैं दूसरी तरफ इस तरीके से यहाँ पर इसको कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, लेयर पर क्लिक करूँगा और उसको सेंड टू बैक कर दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इमेज है वो यहाँ पर कट रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो कार्टून है, मतलब कि जो वाटरमेलन है, उसका पैर लग चुके हैं और यहाँ पर हैंड लगा दिया है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा सा हमको लग रहा है जैसे कार्टून वाला बनने वाला है। अब दोस्तों हमको क्या चाहिए, कार्टून का मुंह चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर माउथ कर देता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे यहाँ पर माउथ आ चुके हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, बहुत सारे माउथ यहाँ पर दिए हुए हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर ले सकते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं कि ये वाला जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूँ और इसको इस तरीके से यहाँ पर मैं शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो पूरा इमेज है वो काफ़ी अट्रैक्टिंग लग रहा है, मतलब कि अब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बोलने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या बोल नहीं रहा है, केवल और केवल हम लोगों ने अभी इमेज बनाया हुआ है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कलर और कर देता हूँ, इसको मैं जूते हैं जो जूते भी पहना देता हूँ इसी कलर का। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर वाइट पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसके जो जूते हैं वो मैं इस तरीके के या इस कलर के या इस कलर के मैं पहना देता हूँ। ठीक है, मैंने ये पहना दिया है। हैंड में भी ये जो कलर है वो मैं ये कर देता हूँ और ये वाला हैंड में जो कलर है वो भी मैं ये कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा जो वाटरमेलन है वो कुछ एक जैसा लग रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है दोस्तों, इसी तरीके से ये मैंने बताया वाटरमेलन का, अगर आप कोई और करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, प्लस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं डुप्लीकेट पेज
सकते हैं कि मैंने डुप्लीकेट कर लिया है। अब मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है वाटरमेलन, अब मैं वाटरमेलन नहीं मुझे कुछ और चाहिए, मुझे चाहिए एप्पल या फिर कुछ भी, तो मैं एप्पल सर्च कर लेता हूँ। अब एप्पल में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एप्पल को मैं यहाँ पर लेके आऊँगा और जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने एप्पल को यहाँ पर लेके आया और इसको इस तरीके से मैं एडजस्ट करके इसको यहाँ पर पुट कर दूंगा। ठीक है, देख सकते हैं कि आप देखते जाइएगा आपको समझ में आ जाएगा, मैंने इस तरीके से रख दिया है और इसको मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, डियर पर क्लिक करूँगा और सेंड टू बैक कर दूंगा। ठीक है, तो ये बैक चला गया है। अब यहाँ पर जो हमारा वाटरमेलन है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, देख सकते हैं कि मैंने वाटरमेलन को डिलीट कर दिया है। अब ये हमारा बन चुका है एप्पल। ठीक है, अब इसको आपको एडजस्ट कर लेना है कैसे, अब ये जो हैंड है जो ऊपर की ओर है तो हम इसको बैक पीछे कर देंगे, तो लेयर पर जाएंगे और सेंड टू बैक कर देंगे, यहाँ पर भी हम लेयर पर जाएंगे और इसको भी सेंड टू बैक कर देंगे और यहाँ पर भी पैर में भी जाऊंगा, मैं लेयर पर जाऊंगा और सेंड टू बैक कर देता हूँ। देख सकते हैं कि ये ऐसा बन चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। अब हमको क्या करना है कि इसके जो पैर हैं वो एप्पल के कलर कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, और इस पर भी जाऊंगा, मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बनने लग गया है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों फोटो को मैं डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शेयर पर गया और यहाँ पर डाउनलोड पर गया और यहाँ पर मैं PNG या JPG फाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ वाटरमेलन का, तो मैंने वाटरमेलन डाउनलोड कर लिया, अब फिर दूसरे में एप्पल को डाउनलोड कर लूँगा। इस तरीके से आपको जितने भी करेक्टर होंगे आप सभी को कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दूसरा कर लेता हूँ, एप्पल को भी डाउनलोड कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर PNG सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर पेज नंबर 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि पेज नंबर 2 में हम लोगों ने एप्पल को बनाया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो एप्पल है वो भी डाउनलोड हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि ये तो हमारी सिंपल इमेज बन चुकी है, अब हमको चाहिए कि ये आप जो पैर हैं पैर हिलाए, मतलब कि पैर चलाए और यहाँ पर हाथ भी चलाए और यहाँ पर इस तरीके से मूव करें। ठीक है, मतलब हम इसको लाइव बनाने वाले हैं ताकि ये मूवमेंट करें, जो एक्टिविटी करें। ठीक है, इस तरीके से, तो उसके लिए हम लोग एक दूसरा AI टूल यूज करेंगे, उसका नाम है दोस्तों, यहाँ पर आप गूगल करेंगे एनिमेटेड ड्राइंग्स तो आपको मिल जाएगा, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो वहाँ से जाके आप आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया, ये आ गया है एनिमेटेड ड्राइंग्स। तो इससे इस AI टूल की मदद से आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपका जो ड्राइंग है उसको एनिमेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर गेट स्टार्टर पर क्लिक कर देता हूँ, फिर अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे, आपका जो फोटो है फॉर एग्जांपल मेरा एप्पल का फोटो है इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो एप्पल का फोटो है उसको स्कैन कर लेगा। ठीक है, देख सकते हैं कि ये दिया हुआ, इसको आप क्रॉप कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, आप जितने पोर्शन में आपका करेक्टर है केवल उतना पोर्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये क्या करेगा, स्कैन करेगा और देख सकते हैं कि इसने कम्प्लीटली पूरी तरीके से हमारा जो करेक्टर है उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ करेक्टर का पोर्शन यहाँ पर छूट जाता तो हम लोग उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते और प्लस यहाँ पर कुछ पोर्शन और ज़्यादा आ जाता तो हम उसको इरेज कर देते। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं, तो ये पॉइंट इस तरीके से हैं कि इस पॉइंट से हमारा जो करेक्टर है वो मूव करेगा, मतलब कि हाथ वो इस तरीके से यहाँ से हिलाएगा और पैर यहाँ से मूव करेगा। ठीक है, तो अगर आप इन जॉइंट्स को, अगर ये अच्छे से नहीं है तो आप इसको इस तरीके से अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों हमारा जो ड्राइंग है वो यहाँ पर एनिमेट होके आ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो ये ड्राइंग है अब यहाँ पर चलने लग गया है। ठीक है, दौड़ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से ये क्या है, यहाँ पर हाई करेगा। देख सकते हैं कि ये अब हमारा जो ड्राइंग है वो हाई कर रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस तरीके से छोटा सा डांस करके दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ड्राइंग है वो यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन आपको मिल जाते हैं, तो कोई भी एनिमेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर आप बना सकते हैं वीडियो। अब जैसे कि मैंने आपको एक ट्यूटोरियल बता दिया है कि किस तरीके से यहाँ पर आप किसी भी ड्राइंग को यहाँ पर एनिमेट बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, जैसे कि किड्स एजुकेशनल वीडियो जो कि मैंने स्मार्ट होम फॉर यू अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है कि आप किस तरीके से किड्स एजुकेशनल एनिमेशन वीडियो बनाएंगे, जैसे कि आप फ्रूट्स के नाम सिखाते हैं या ABCD सिखाते हैं बच्चों को, तो उस वहाँ पर आप किस तरीके से वीडियो बनाएंगे और यहाँ पर YouTube पर अपलोड करके महीने का लाख रुपए कैसे कमाएंगे, उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस कैरेक्टर को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर आप क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पर नीचे थ्री लाइन्स दी हुई हैं और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने बनाया एप्पल का, उस तरीके से हम लोग करेंगे दूसरा। ठीक है, जो कि हमारा वाटरमेलन का था, तो अपलोड फोटो पर हम लोग क्लिक करेंगे,
और यहाँ पर वाटरमेलन वाला फोटो को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको क्रॉप कर लेंगे, मतलब सेलेक्ट कर लेंगे जितने पोर्शन में हमारा ड्राइंग है उसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों कि इसने हमारे मास्क लगा दिया है हमारी इमेज पे, ठीक है। तो केवल इतना ही पोर्शन हमारा मूव करेगा, ठीक है, बैकग्राउंड ये नहीं लेगा। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देख सकते हैं कि जहाँ से भी आपको मूव कराना है तो इसको भी आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा। इफ़ यू वांट टू मेक सम एडजस्टमेंट देन आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एडजस्टमेंट कर लिया है और नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जो हमारा वाटरमेलन है वो यहाँ पर देखते हैं कि दौड़ता हुआ दिखेगा, जैसे कि अब वाटरमेलन यहाँ पर दौड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरीके से चलेगा। जो यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमेशन मिल जाते हैं वो एनिमेशन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि ये जंपिंग वाले एनिमेशन है तो यहाँ पर आप जंपिंग वाले करना चाहते हैं तो ये जंप करेगा, यहाँ पर वॉकिंग वाले एनिमेशन, यहाँ पर फनी एनिमेशन है, यहाँ पर आपका डांस वाले एनिमेशन है, तो जो भी आप लगाना चाहते हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। आपका जो यहाँ पर वीडियो है, आपका जो यहाँ पर फोटो था वो एनिमेट करने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और कहीं पर भी इसको यूज करना हो, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, इस तरीके से आप यहाँ पर कैनवा से ये इमेज बना सकते हैं। इमेज बनाने के बाद आप उसको मूवमेंट कराना हो या उसको एनिमेशन कराना हो तो यहाँ से आप एनिमेट कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर एनिमेशन वीडियो बनाएंगे। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद प्लीज लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर AI टूल्स के बारे में सीखना चाहते हैं कि टेक्स्ट वीडियो कैसे बनाएं, एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएं, 2D कैरेक्टर वीडियो कैसे बनाएं, 3D एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू।